को कंप्रेसर का एम्पियर जरूर चेक करना है और लोड जरूर चेक करना है, कितने परसेंट लोड पे चल रहा है और कितना एम्पियर ले रहा है। आप लोग का अगर डिजिटल डिस्प्ले है तो आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं, अगर डिजिटल नहीं है तो आप लोग मैनुअली इसको लोड को इस तरीके से, यहाँ पे जो लोडर है किसी में एनर्जाइज होता है तो लोड पे आता है और किसी में ये डी एनर्जाइज मतलब बंद होता है तो लोड पे आता है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बेसिक पैरामीटर्स बताने वाला हूँ किसी भी चिलर सिस्टम का, चाहे वो एयर कूल्ड चिलर हो या वाटर कूल्ड चिलर हो या ट्रेन का हो या यॉर्क का हो या R134 गैस से चलता हो या फिर वो R22 रेफ्रिजरेंट से चलता हो, उसका ऑयल प्रेशर कितना होगा, ऑयल का टेम्परेचर कितना होगा, गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, गैस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सुपर हीट कितना होना चाहिए, सुपर हीट किसे कहते हैं, सब कूलिंग कितना होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और ये वीडियो, ये जो आपको पैरामीटर्स है वो आपको हर जगह पे काम आएगा, चाहे वो आप रीडिंग लेने जा रहे हैं तो, या फिर आपके अगर ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको हर जगह ये वीडियो काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आप लोग शेयर करते हैं वीडियो, अगर आप चाहें तो आप वहां से शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके और जो नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट ए पोस्ट, वहां पे क्रिएट ए पोस्ट करके और वहां पे कुछ भी ऊपर ABCD जो भी आपको लिखना है लिख के आप अपने चैनल पे भी मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और फेसबुक ट्विटर जो भी आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। एक और बात आपको बताता चलूं वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग स्पेशल ट्रेनिंग के लिए या इमिडिएटली क्विक रिप्लाई के लिए, काम में किसी तरह के हेल्प के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा हेल्प हो सके, तो आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कि पैरामीटर्स क्या क्या हम लोग को चेक करना है और कितना कितना होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा ट्रेन का चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, लेकिन आपका स्क्रू कंप्रेसर भी होगा और यॉर्क का भी चिलर होगा तो भी मैं उसके भी आपको पैरामीटर्स बताऊंगा। तो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इस टाइप के चिलर में दोस्तों आप लोगों को क्या चेक करना है, आप लोगों को सबसे पहले इसका प्रेशर चेक करना है, प्रेशर के लिए मैनुअल गेज लगा के रखा है, मैनुअल गेज यहाँ पे लगा हुआ है। अगर कहीं पे डिस्प्ले लगा हुआ है किसी भी चिलर में, चाहे वो यॉर्क का हो कैरे का हो, तो वहां से आप उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। पहले मैं R22 के बारे में, रेफ्रिजरेंट के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं R134A गैस रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगा। तो अभी ये मान लीजिए R22 गैस है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है, तो इसका हम प्रेशर चेक करेंगे। तो इसका प्रेशर दोस्तों जो पैरामीटर्स में आता है वो क्या आएगा कि 65 PSI, 60 to 70 हम लोग रख सकते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो 65 PSI होता है। जब भी मौसम गर्म होगा या ठंडा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ सकता है या कम हो सकता है इसका सक्शन प्रेशर। और यहाँ पे दूसरी जो हम बात करेंगे डिस्चार्ज प्रेशर की, तो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 270 से लेके 320 तक, 325 तक हो सकता है, मतलब 270 से लेके 320, 325 तक हो सकता है, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका प्रेशर इस तरीके से होगा। दूसरा जो इसके ऑयल प्रेशर की हम बात करते हैं, तो ऑयल का जो प्रेशर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने ऑयल पंप है, ऑयल पंप जो इसका प्रेशर बनाता है, लेकिन इसमें अक्सर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, यॉर्क के जो कंप्रेसर होते हैं और ट्रेन के हैं, इन सब में ज्यादातर 30 to 35 PSI डिफरेंशियल प्रेशर होता है। जैसे आप मान लें इसका सक्शन प्रेशर 65 है तो इसका ऑयल का प्रेशर 100 होगा जो इस गेज में शो करेगा, तो 100 होगा तो 100 हम जो सक्शन प्रेशर है, ऑयल का जो प्रेशर है 100 PSI, उसमें से सक्शन प्रेशर को माइनस कर देंगे 65 को, तो कितना आ जाएगा 35 PSI, जो कि यॉर्क के जो रेसिप्रोकेटिंग चिलर है उसमें भी सेम यही है, 30 to 35 PSI इसका डिफरेंशियल प्रेशर होता है और ट्रेन में भी यही है। तो आपने ये ऑयल प्रेशर जान लिया और हमारा गैस का प्रेशर जान लिया। आप लोगों को R134A के बारे में बताता चलूं, रेफ्रिजरेंट के बारे में बताता चलूं, फिर आगे हम लोग ऑयल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो R134A जो गैस होता है उसका आप लोग गेज अगर होगा तो गेज से देख सकते हैं, और नहीं तो आप जो डिस्प्ले होगा किसी भी चिलर का, यॉर्क का, कैरियर का, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो R134A जो रेफ्रिजरेंट होता है, गैस होता है, उसका सक्शन प्रेशर जो होता है वो होता है 30 to 40 PSI, वो मौसम के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो होता है
150 to 200 के ऊपर जाएगा तो डिस्चार्ज लिमिटिंग पे चलने लग जाएगा आपका चिलर। तो इस तरीके से आप लोगों का इतना प्रेशर उसमें होगा। और ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल अक्सर जो स्क्रू कंप्रेसर में चलते हैं वो डिफरेंशियल प्रेशर डिस्चार्ज से देखा जाता है, क्योंकि अक्सर जो स्क्रू कंप्रेसर होते हैं उसमें ऑयल पंप नहीं होता है, वो डिस्चार्ज का प्रेशर उसमें ऑयल टैंक लगा हुआ होता है, ऑयल सेपरेटर लगा हुआ होता है डिस्चार्ज के आगे, क्योंकि कंप्रेसर में वापस ऑयल टैंक से वापस ऑयल सेपरेटर से वापस ऑयल कंप्रेसर में आता है, लुब्रिकेंट करता है और वो डिस्चार्ज के साथ थ्रो कर देता है, फिर दोबारा वो ऑयल टैंक में चला जाता है, ऑयल सेपरेटर में चला जाता है। तो इस तरीके से जो यॉर्क का YVAA जिसको हम लोग VSD चिलर बोलते हैं उसमें 10 to 15 PSI डिफरेंस होता है ऑयल और डिस्चार्ज में। और जो ट्रेन की बात कर रहे हैं तो RTAA 213 जो मॉडल है उसमें वो 30 to 50 PSI अब इस तरीके से ऑयल का डिफरेंशियल उसमें होता है। अगर मान लीजिए कि ऑयल का डिफरेंशियल कम या ज़्यादा होगा तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका डिस्चार्ज हाई जाएगा तो ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका चिलर ट्रिप हो जाएगा, और डिफरेंशियल अगर कम होता है तो ऑयल की वजह से भी होता है, फिल्टर जो गंदा होता है इंटरनल या एक्सटर्नल उसकी वजह से भी ऐसे ये प्रॉब्लम करता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऑयल का टेम्परेचर 120 to 140 फारेनहाइट स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसका होता है। और ऑयल का जो क्रैंककेस हीटर होता है किसी भी कंप्रेसर में, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कंप्रेसर, इसके अंदर क्रैंककेस हीटर हम लोग जो चेक करते हैं वो आप लोग देख रहे हैं उस तरफ, ऐसे ही ये सेम प्लेट है उस तरफ उसमें लगा हुआ है, तो हम लोग इसके बॉडी के टेम्परेचर से देख लेते हैं ऑयल हीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो स्क्रू कंप्रेसर होता है या रेसिप्रोकेटिंग ही है यॉर्क में, उसमें ये दिखाता है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ऑयल का टेम्परेचर चेक करके कि कैसे देखा जाता है, तो ऑयल का टेम्परेचर भी हम लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि ऑयल अगर गर्म नहीं होगा तो ये क्या होगा, कंप्रेसर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है इसमें पिस्टन से चलता है तो इसमें पिस्टन में ऑयल लुब्रिकेंट सही नहीं होगा, इस वजह से आपका मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा। और जो स्क्रू कंप्रेसर है उसके अंदर अगर ऑयल का लुब्रिकेशन सही नहीं होगा, हीट नहीं होगा, तो आपको ऑयल इनहिप्ट का अलार्म आएगा रेसिप्रोकेटिंग में भी और स्क्रू में भी आएगा अलार्म लो ऑयल टेम्परेचर का आ सकता है, और उसमें भी जो स्क्रू है उसका जो हेलिकल ब्लेड्स है वो खराब हो जाएगा, स्क्रेचेस आ जाएंगे जिसके कारण आपके कंप्रेसर की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा ये जो कूलर है, ये एवोपरेटर भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर एक रिटर्न लाइन है एक सप्लाई लाइन है, मतलब एक तरफ से पानी आता है दूसरी तरफ से जाता है वापस, कहाँ जाता है, FCU में जाता है, AHU में जाता है, FHU में जाता है। तो ये क्या करता है, पानी को लेता है और फिर देता है, तो पानी इसके अंदर एवोपरेटर जो है वो क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ठंडा कर रहा है तो पानी इसके अंदर आ रहा है वार्म वाटर कहाँ से, बिल्डिंग से, तो उसको ठंडा करता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड जो होता है 6 to 7 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में सेल्सियस बता रहा हूँ, 6 to 7 डिग्री सेल्सियस इसका जो सप्लाई टेम्परेचर होना चाहिए, जो सप्लाई चिल्ड वाटर लाइन का जो सप्लाई लाइन है उसमें 6 to 7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रिटर्न उसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो 9 to 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ये। उसके बाद अगर मैं सुपर हीट की बात करूं तो सुपर हीट यही बोलते हैं, इसके ऊपर जो एवोपरेटर के अंदर जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर है उसके ऊपर जो हीट हमने ऐड किया, जो गर्म जो हमारा वार्म वाटर आया उसके ऊपर ऐड हो गया, तो सुपर हीट जो स्टैंडर्ड होता है, सुपर हीट भी आप लोगों को डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग, और मैनुअल में इसमें तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड जो हमारा सुपर हीट होता है वो 8 to 12 डिग्री फारेनहाइट होता है। और सब कूलिंग ये जो कंडेंसर आप देख रहे हैं तो सब कूलिंग का जो स्टैंडर्ड सब कूलिंग होता है वो 10 टू 15 फारेनहाइट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ गया, इसमें गया और यहाँ पे इसका 120 फारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। अभी क्या हुआ कि लिक्विड लाइन, फिर वहां से आप देख रहे हैं दूसरी लाइन पतली सी निकल रही है वो लिक्विड लाइन है, तो अभी इसका 120 फारेनहाइट हमारा ये कंडेंसर का टेम्परेचर है और जो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर है वो हमारा 105 फारेनहाइट हो गया। तो इसमें क्या होगा, 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया। 15 डिग्री का डिफरेंस कैसे आया कि ये फैन चला, कंडेंसर को ठंडा किया इसने, तो 15 डिग्री इसमें से कम हो गया, तो ये है सब कूलिंग। उसी तरह आप लोगों को जो हमारा एवोपरेटर है, ये जो कूलर है, उसका हिसाब भी करना है कि आपका टेम्परेचर, आपका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, उस पे कितनी हीट आपने ऐड की और सक्शन का टेम्परेचर कितना है। सेचुरेशन टेम्परेचर चेक करने के लिए आप लोग सक्शन में गेज लगा सकते हैं, वहां से आपका जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्रेशर चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर 65 फारेनहाइट 65 PSI अगर हम लोग
R22 गैस रखते हैं तो उसका 5 डिग्री सेल्सियस सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, तो उस हिसाब से हम लोग सक्शन का टेम्परेचर जब नापेंगे, टेम्परेचर गन से या थर्मिस्टर से किसी भी चीज से हम लोग जब चेक करेंगे तो सक्शन का टेम्परेचर मान लीजिए कि हमारा 15 आ रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 5 डिग्री जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 8 to 10 डिग्री फारेनहाइट का डिफरेंस होता है, 8 to 10 डिग्री फारेनहाइट जो स्टैंडर्ड हमारा सुपरहीट होता है, और जो सब कूलिंग होता है वो 10 to 15 डिग्री फारेनहाइट होता है। दूसरा ये कि हम लोग कभी भी काम करेंगे तो हम लोग चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, उसमें कई जगहों पे ये सोलेनोइड कॉइल लगा होता है, वाल्व लगा होता है, कहीं पर नहीं लगा होता है, तो जब हम लोग चेक करते हैं लिक्विड लाइन में ग्लास होता है तो हम लोग जब चेक करते हैं तो उसको भी चेक करना चाहिए लिक्विड इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सोलेनोइड कॉइल काम कर रहा नहीं कर रहा है, ये जो ड्रायर फिल्टर है इसका जो इंटरलेट एरिया है जो लिक्विड लाइन है उसकी हीट कितनी है, और जो आउटलेट है उसकी हीट कितनी है। कई बार हमारा फिल्टर भी ब्लॉक हो जाएगा तो कूलिंग जो है कूलिंग सही नहीं करेगा और लो सक्शन पे आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा और हाई डिस्चार्ज पे भी ट्रिप करेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आप लोगों को कंप्रेसर का एम्पियर जरूर चेक करना है और लोड जरूर चेक करना है, कितने परसेंट लोड पे चल रहा है और कितना एम्पियर ले रहा है। आप लोगों का अगर डिजिटल डिस्प्ले है तो आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं, अगर डिजिटल नहीं है तो आप लोग मैनुअली इसको लोड को इस तरीके से, यहाँ पे जो लोडर है किसी में एनर्जाइज होता है तो लोड पे आता है और किसी में ये डी एनर्जाइज मतलब बंद होता है तो लोड पे आता है। योर के अक्सर चिलर में क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, ये जब बंद हो जाएगा तो ये लोड पे आ जाएगा, जब स्टार्ट हुआ कंप्रेसर तो ये तीनों एनर्जाइज हो जाएंगे चल जाएंगे तो ये लोड पे रहेगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो लोड पे आएगा। लेकिन ट्रेन में क्या है कि ये जब एनर्जाइज होगा चालू होगा तब ये लोड पे आता है, तो इसमें तीन लोड है टोटल। तो योर के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अक्सर दो लोड होते हैं क्योंकि ये बीच वाला जो हेड है ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट लोड पे होता है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं इसको कि इसका प्रेशर वगैरह तो सब चेक कर ही लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग मैनुअली इसको टच करके भी हम लोग हाथ से चेक कर लेते हैं और यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अंदर से बाईपास है क्या है वो भी मालूम चल जाएगा फुल लोड पे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि जो भी मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ आप लोगों तक सही टाइम पे अपडेट होता रहे। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।